हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अमीक्षा। आज मैं आपको बताऊंगा पिक्सा लैब से HD थंबनेल कैसे बनाते हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम अपना पिक्सा लैब एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें कुछ साइज है जो हमको 3 डॉट में जाके इसका साइज चेंज कर देना है। तो कस्टम से इसको हम YouTube थंबनेल पे क्लिक कर देंगे 1280 = 720। अब ये जो इमेज है इसको डिलीट कर देना। अब यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर पे जाना है, कलर पे जाके इसको चेंज कर देना है। अगर आपको इसमें कुछ ग्रेडियंट चेंज करना है, एक ही कलर में कुछ और एक्स्ट्रा ग्रेडियंट लगाना है, तो ये प्लस वाला साइन जो है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करके देखिए चेंज हो रहा है, ये हाफ हाफ चेंज हो रहा है। जितना भी आपको चेंज करने का है उसको चेंज करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके, अब यहाँ अपने लिए एक कलर चूज कर लेते हैं, जैसे मैं ये पर्पल कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूव करके इसका ग्रेडियंट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके, ये राइट क्लिक है, अब यहाँ से इसको राइट क्लिक कर देंगे, मेरा कलर चूज हो गया। अब इसमें एक इमेज डालना है, जिसमें सबसे पहले हमको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बीच में एक ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करना है, ये ड्रॉ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले हम कलर चूज कर लेंगे, जैसे मैं ब्लैक वाइट जो भी है, जिसमें ब्लैक हम चूज़ कर लिए। और एक चीज़ ये फुल इनसाइड पे इनेबल कर देना है, इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद देखिए इस तरह से एक इमेज हम बना लेंगे। बनाने के बाद इसको ओके कर देंगे, ऊपर में जाके इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एज ए इमेज कर देंगे इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको कस्टम से अल्ट्रा कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। अभी जो इमेज बनाया है उसको यूज़ करना है, तो इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्लैक में है, इसको राइट ओके कर देना है। इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा सा फिक्स कर देंगे। अगर इसको सबसे पहले आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर देना है, यहाँ से जो भी कलर आपको रखना है यहाँ से चेंज हो जाएगा। ओके, फिलहाल हम वाइट रख लेते हैं इसको। वाइट रखने के बाद इसको ओके करते हैं, इसको जूम करके थोड़ा सा इसको इस इमेज पर इसको ऐसा सेट करेंगे जो थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये हम इसको सेट कर दिए, ये मेरा ये सेट हो गया। इसको अब लॉक कर देंगे, ये अब मूवमेंट इसका नहीं होगा। ओके, अब हमको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट पे जाएंगे, जिसमें यहाँ पे लिख देंगे हाउ टू मेक। तो हाउ टू मेक कैसे लिखना है, यहाँ पे हाउ टू मेक लिख के ओके कर देना है। इतना ही रखना है फिलहाल, अभी इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो हाउ टू मेक को इतना रख लिए, यहाँ पे इसको सेट कर दे देंगे। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। तो फॉन्ट में जाएंगे, बहुत सारा आपको यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा, जो भी आपको यूज़ करना है यूज कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैं हम भी कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हम सिलेक्ट कर लिए, इसको थोड़ा सा जूम करके इसको सेट कर देना है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद इसका अब इसमें बैकग्राउंड लगाना है। सबसे पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से आप चूज़ कर लो जो भी इसमें अच्छा लगे कलर, उसको आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से। ओके, यहाँ से चूज़ कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा शेडो और स्ट्रोक लगा देना है, जिसमें स्ट्रोक पे क्लिक किए इसको थोड़ा सा स्ट्रोक विड्थ बढ़ा देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रोक विड्थ बढ़ा दिए। अब यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अगर इसमें आपको थोड़ा शेडो भी लगाना है तो उसको भी इनेबल करके इसका थोड़ा शेडो बढ़ा लेंगे। इसको इनेबल कर दिए। इनेबल करने के बाद यहाँ से इसका ओपेसिटी और ब्लर रेडियस जो है इसको थोड़ा सा, जैसे भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप यहाँ से इसको रख सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे, हाउ टू मेक हो गया, अब इसमें ऐड करेंगे HD यूट्यूब थंबनेल। ओके, फिर हम टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अब हम लिखेंगे फिर से इसको HD यूट्यूब थंबनेल। तो HD को हम कैपिटल में रख लेते हैं, H और D कैपिटल में रख दिए। उसके बाद Y को भी कैपिटल में रख के उसके बाद यूट्यूब थंबनेल लिख देना। ओके, यूट्यूब थंबनेल, यहाँ से अब इसको ओके कर देना है। अब इसको फिर थोड़ा सा जूम कर देना है, इसका फिर वही AB मतलब फॉन्ट चेंज कर देना है, फिर कलर चेंज कर देना है, जैसे आपको बताए थे एज इट इज़ इसको उसी तरह से चेंज कर देना है। इसका हाफ अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से देखो HD YouTube को हाफ अलग अलग कलर में रखना है, तो यहाँ से आप अलग कलर में रख के इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर देखो इसको राइट क्लिक कर दो, देखो ये मेरा अलग अलग कलर हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर देना है, AB चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ से आप सब कुछ का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे आपको मैं बताया भी उसी तरह से आप यहाँ से इसको सारा चेंज कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में बताया हाउ टू मेक HD यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, उसी टाइप का यहाँ पर सारा हम लिख दिए हैं। अब देखिए सिर्फ 5 मिनट में जो है ना इसका कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब इसमें एक चीज़ और करते हैं, इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे, इसको थोड़ा सा सुंदर दिखेगा ये,
कर्व में करके इतना देखिए, सिर्फ 5 मिनट में जो इसका बैकग्राउंड है इसका कर्व कर दिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कर्व का, ये इसको कर कंप्लीट करके अब हम इसको पूरा लॉक कर देंगे इसको जितना भी है। अब यहाँ पे हमको क्या इंपोर्ट करना है, अपना इमेज, अपना फ़ोटो हो गया या जो भी है, अब यहाँ पे लगाना चाहो तो यहाँ से आप लगा सकते हो। तो सीधा यहाँ 3 डॉट में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, जहाँ पे आपका रखा हुआ है फ़ोटो वहाँ से सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। इसको थोड़ा सा जूम करके इसको फिक्स कर देना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके एक फिक्स कर देना है। ओके, अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना है, क्या एक YouTube का लोगो ऐड करते हैं जो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। तो फिर हम इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे मेरा YouTube का लोगो होगा कहीं, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिक्स करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए मेरा मिल गया हमको, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, छोटा करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको घुमा देना है, घुमाने के बाद इसको यहाँ पे ये देखिए फिक्स कर देना है। ओके, अब ये मेरा पूरा YouTube थंबनेल बन चुका है। ओके, अब यहाँ से इसको सेव एज ए इमेज कर सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट मेरा बन गया, हाउ टू मेक SD YouTube थंबनेल बाय पिक्सा लैब इन मोबाइल, सिर्फ 5 मिनट में। YouTube का थंबनेल, YouTube का लोगो भी दे दिया, अपना इमेज भी दे दिया। यहाँ से हमको सेव एज ए इमेज कर लेना है, कस्टम से जाके इसको अल्ट्रा कर देना है, अल्ट्रा करने के बाद इसको सेव टू गैलरी कर देना है। ओके, इसी तरह से YouTube टिप्स और शेयर मार्केट या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।